और अब खबर जयपुर से है, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस बड़ी सेंधमारी उसमें हो सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में नागौर के दो बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। रिजपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा कमल का दामन थाम सकते हैं, यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रिजपाल मिर्धा 4 बार के विधायक रहे हैं। पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा का भी प्रभाव है, डेगाना कार्यकर्ता सम्मेलन में खुला ऐलान किया। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब लगातार जो तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही, इसमें कांग्रेस के जो तमाम बड़े कद्दावर नेता हैं वो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एक और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस में सेंधमारी लोकसभा चुनाव से पहले हो सकती है। और नागौर के दो बड़े नेता हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। रिजपाल मिर्धा नाम है जो कहा जा रहा है कि कमल का दामन थाम सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दो बड़े नेता हैं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं तेज हो रही है, जिसमें विजयपाल मिर्धा और रिजपाल मिर्धा का भी नाम शामिल बताया जा रहा है। मैं आम कार्यकर्ता के बीच में रहने वाला आदमी हूँ। ईमान से मारे मन में आ बात थी कि मैं जो कुछ भी निर्णय करूँ, एक बार ओछा लामा बड़ मारे लोगों ने बुलार, मैं पूछ लूँ कि भाई मैं कोई राजनीतिक निर्णय करूँ तो भी मैं थे मारे सत्य हो कुन्नी हो इतनी बात हम पूछ सत्य हो मतलब हंगी 100% सहमति है बस आई बात पूछ। और जकी भी बात साहब आप लोगों ने की 100% काम है कोई करा जका मैं साहब के जका मूल रूप कार्यकर्ता है जका मारा युवा साथी है बैंक को फायदो हुई जो कोई निर्णय आप ले 1% या बात को नहीं के राजनीतिक फायदो लौन वास्ते मैं वो कदम उठावा, क्योंकि राजनीति को मिर्धा परिवार कदई कमाई करी को नहीं। बस खाली आप लोगों को मान सम्मान किया कायम रहे, आपको लोगों को काम किया निकले माने खाली भी चीज। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक के दौरे पर रहे, सीएम आरसीपी का आभार सभा में शामिल हुए। और इस दौरान सीएम भजनलाल ने कहा कि 10 बजे के बाद माइक का उपयोग नहीं कर सकता, मैं फिर आऊंगा, देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूं। मन में जो भाव है और मन में जो विचार है निश्चित रूप से उसका सम्मान करूंगा, क्योंकि हम सभी आप कानून से बंधे हुए हैं। 10 बजे के बाद माइक का उपयोग नहीं कर सकते हैं, मैं भी उस कानून से बंधा हुआ हूं, इसलिए आप सभी से क्षमा चाहता हूं, फिर आऊँगा, दोबारा आऊँगा आपके बीच में, सभी से आकर के मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।